आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश क्लास 9th में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर कैम्बल बे में। हमारा जो है ग्रेट कुबर आइलैंड है, इसमें जो है काफ़ी अंडमानी बंदर मिलते हैं, जिसे जो है केकड़ा खाने वाला बंदर भी कहते हैं। उससे जो है किसानों का काफ़ी नुकसान होता है, और वो बंदर है ये, और इनसे जो है हमें मारना नहीं चाहिए, ताकि उसे हमें आगे तक का बचाना है। तो उसे हम मारे बगैर बचाने के लिए मैंने इस जो बनाया है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अस्तेश है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर में पढ़ता हूँ। मैंने जो है पिछली बार आप लोगों को मॉडल से बंदरों कैसे भगाते हैं उसके बारे में बताया था। अब मैं मॉडल के बारे में बताऊँगा। और मॉडल में जो है सबसे पहला चीज़ ये PVC पाइप, इसी की मदद से हमने जो है इस मॉडल को बनाया है। और हमने एक लंबा वाला PVC पाइप लिया है, जो कि सामने का हिस्सा काम करता है, इसी में हम पेपर सील करते हैं। और दूसरा वाला PVC पाइप लिया है, जो कि इससे काफ़ी बड़ा है, और हमने इसको दूसरे वाले पाइप से सील कर दिया। और उसके बाद हमने पीछे से और एक उसकी ढक्कन लगा कर MCL से जो है लाइटर को सील कर दिया, ताकि कोई भी गैस जो है बाहर ना निकले। गैस बाहर निकलेगी तो जो है पेपर फायर नहीं होगी, इसीलिए हमने जो है इसको बढ़िया तरीके से सील कर दिया, ताकि इसमें जो है कोई सा गैस ना निकले। और इसके जो है अंदर से आप देख सकते हैं क्लियर लाइटर दिख रहा, कुछ नहीं है। और इसी का फुल तैयार होने पर इस तरीके से दिखते हैं, इसको जो है यूज करने पर कुछ मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बंदर यहाँ पे है, अब मैं उसे भगाने वाला हूँ। पेड़ में तो आप लोगों ने देखा कि वो कैसा डरा। तो उसी तरह अगर हम 6-7 बार करें तो जो है भाग ही जाएगा पूरे तरीके से, और आने के लिए वो थोड़ा डरेगा। और जब भी वो आए तो आप इसी का इस्तेमाल करें तो कभी नहीं आएगा। वो देखिए बंदर कैसे जो है निकल रहे हैं, ऐसे इस एरिया को अब खाली कर चुके हैं, जा चुके हैं यहाँ से।